हे देयर, मैं हूं मैक नियाज़ी और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं JBL के C100TWS वायरलेस ईयरबड्स की। ये ईयरबड्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव हैं और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे 3999 के, और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बॉक्स पे यहाँ पे मेंशन है वो आप देख सकते हैं 7999 की है। काफ़ी टाइम से ये ईयरबड्स फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अनअवेलेबल थे, आउट ऑफ स्टॉक थे। अभी रिसेंटली ये अवेलेबल हुए तो मैंने इन्हें परचेज़ किया है। बॉक्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्योर बेस जीरो केबल्स। जो फीचर्स यहाँ पे हाईलाइटेड है वो है ट्रू वायरलेस कम्फर्ट फिट हैंड्स फ्री कॉल्स, और माइक की फंक्शनैलिटी है, जो बैटरी लाइफ यहाँ पे मेंशन की हुई है वो 17 आवर्स की है। और आप देख सकते हैं डिफरेंट वॉइस असिस्टेंट्स के साथ भी वर्क करेगा, लिखा है वर्क्स विद वॉइस असिस्टेंट्स। और इसके अलावा आप देख सकते हैं 5.8 mm के ड्राइवर हैं, 20 Hz से 20,000 Hz तक का रिस्पॉन्स देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को सपोर्ट करते हैं। तो अब इनको ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने पे हमको एक और बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे कुछ जो इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है और जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बुकलेट दी हुई है, आप देख सकते हैं हरमन कार्डन की है। इनको रखते हैं साइड में। फिर ये आप देख सकते हैं इसका कैरिंग केस है। कैरिंग केस पे आप ये देख सकते हैं JBL की ब्रांडिंग है, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं माइक्रो USB का पोर्ट दिया हुआ है, और नीचे की तरफ इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, और यहाँ पे 3 LED लाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्टर्स दिए हुए हैं अंदर की तरफ, तो इसको भी रखते हैं साइड में। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमको मिलता है ये माइक्रो USB टू USB टाइप ए वाला केबल, और दो पेयर ईयरबड्स के जो कि लार्ज और स्मॉल साइज के हैं, मीडियम वाले इन ईयरबड्स के साथ अटैच हैं। तो अब हम आते हैं अपने ईयरबड्स की तरफ। वाइट कलर ऑप्शन और ब्लैक कलर ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है, मैंने वाइट ऑर्डर करे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बड्स पे JBL की ब्रांडिंग दी हुई है, माइक होल्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्टर है, और ये देखिए राइट ईयरबड मेंशन है और ये लेफ्ट ईयरबड है, दोनों में मैग्नेटिक कनेक्टर्स हैं। और जो इसमें बटन दिए हुए हैं वो टैक्टाइल हैं और पुश टाइप हैं, ये कैपेसिटिव बटन नहीं है, पुश टाइप बटन्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब इन ईयरबड्स को मैं पेयर कर लेता हूँ, और पेयर करने के बाद फिर इनसे म्यूजिक सुनेंगे। और तो गाइस, इन ईयरबड्स से काफी टाइम से मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, जो कि है JBL C100TWS। बड़ा अजीब सा नाम है, कंपनी सिंपल नाम भी रख सकती थी, लेकिन नहीं, JBL C100TWS इसका नाम है। और मैं आपको दिखाता हूँ ईयर्स में कैसे ये फिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फिट है, और मैं आपको हेड शेक करके दिखाता हूं कि कितना स्नगली ये आपके ईयर्स में फिट रहेंगे। काफी तेजी से हेड शेक करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं ये ईयरबड्स आपके ईयर्स में बिल्कुल अच्छे से फिट रहेंगे, बशर्ते आपने इसमें जो बड्स लगाई है, जो ईयर टिप लगाई हुई है, वो आपके ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपका ईयर का साइज कुछ और है और आपने बहुत मतलब बड़ा है और आपने बहुत स्मॉल वाला उसमें लगा दिया, तो ऑब्वियस ही आपके ईयर से बाहर आ जाएंगे, या आपका जो ईयर होल है दैट इज स्मॉल, और अगर आपने उसमें बहुत बड़ा मींस लार्जर वाला यूज कर लिया तो भी ये सही से फिट नहीं होगा। जो अकॉर्डिंग टू आपके ईयर्स हो, जो आपके ईयर के मुताबिक हो, वो वाले ईयर टिप्स आप इसमें लगाएंगे तो ये बहुत स्नगली फिट हो जाएंगे और निकलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं बटन कंट्रोल्स आपको बड्स में ही देखने को मिलते हैं। जो ये राइट वाला बड है, इससे आप कॉल अटेंड कर सकते हो, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, प्ले और पॉज कर सकते हो म्यूजिक को। प्लस अगर आप इस वाले जो राइट वाले बड को दो बार टैप करोगे, जो इसमें बटन दिया हुआ उसको दो बार टैप करोगे, तो आपका जो वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। मैंने आईफोन में यूज किया है, डबल टैप करने पर सिरी एक्टिवेट हो जा रहा था और आप उससे सारे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें लेफ्ट वाले ईयरबड की, तो इसमें जो बटन दिया गया है वो आपके म्यूजिक को, यानी जो गाने आप सुन रहे हो, वो नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा। अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, दो बार प्रेस करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि जो ये राइट बड है वो इसका मास्टर बड है। इट मींस कि आप सिंगल अगर आप यूज करना चाहते हो बड को, तो आप राइट वाले को अपने कान में लगा लो और ये आपके सारे जो इसके फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। बट अगर आप लेफ्ट वाला
ईयर में लगाते हैं और राइट वाला केस में रख देते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि राइट वाले से आप सिंगल बर्ड के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं, लेफ्ट वाले से नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि मास्टर बर्ड इसका जो है वो राइट वाला है। अब मैं आपको इन ईयर बर्ड्स की जो प्रोज और कॉन्स हैं वो बता देता हूं एक एक करके। सो पहले प्रो की अगर हम बात करें तो वो है इसका डिजाइन। कैरिंग केस से लेके इसके ईयरबड का डिजाइन काफी अच्छा है, लाइट वेट है ईयरबड्स और जो कैरिंग केस है वो भी बहुत ज्यादा भारी नहीं है, आप इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रो की बात करें तो वो है इसका ये मैग्नेटिक कनेक्टर। आप देख सकते हैं जो केस है उसमें भी मैग्नेटिक कनेक्टर है और बर्ड्स में भी कनेक्टर है। आप देख सकते हैं अगर मैं इनको रखता हूं तो ये इतनी अच्छे से फिट हो जाएंगे कि अगर मैं इसको शेक भी करूंगा केस को तो ये बर्ड्स निकलेंगे नहीं, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक कनेक्टर है इस वजह से ये बर्ड्स इसमें से बाहर नहीं आएंगे। वहीं मेरे पास ये है स्कल कैंडी इंडी, इसमें मैग्नेटिक कनेक्टर नहीं देखने को मिलता है, ये सिंपली ऐसे इसमें फिट होते हैं और अगर ये केस को शेक करा जाएगा तो इसमें से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि कोई इंटेंशनली केस को शेक करेगा, हाँ कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, किसी सिचुएशन में अगर ये आपका केस उल्टा होता है और ये गिर जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट प्रो की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आपको इसमें ब्लूटूथ की रेंज बहुत अच्छी मिलती है। ब्लूटूथ का वर्जन है 5.0 और जो रेंज है वो आपको मिलती है लगभग 10 मीटर की, यानी कि आप इसको काफ़ी दूर तक अपने फ़ोन से कनेक्ट रख सकते हैं और इसमें सिग्नल जो लॉस है वो कम आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रो की अगर हम बात करें तो इन ईयरबड्स में आपको मिलता है लगभग 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप और कैरिंग केस का मिला के लगभग आपको 15 से 16 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और जो चार्जिंग टाइम है वो मुझे लगा था लगभग 2.5 से 3 घंटे, हालांकि इसमें दिया हुआ है ये इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन जब मैंने इसको चार्ज किया था मी के 27 वॉट वाले चार्जर से भी चार्ज किया था, लेकिन उसमें भी मुझको जो चार्जिंग टाइम मिला था वो इतना ही है जो मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट प्रो की अगर हम बात करें तो वो है इन ईयरबड्स की 1 साल की वारंटी, यानी अगर आपके ईयरबड्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है 1 साल के अंदर अंदर तो वो ईयरफोन्स आपके रिप्लेस होके आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए या वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए तो आपका जो बर्ड्स है वो आपको रिप्लेस होके मिल जाएगा विद इन 1 ईयर। तो अब हम बात कर लेते हैं इन ईयरबड्स के कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉन है वो ये कि आपको इसमें कोई भी वाटरप्रूफिंग नहीं मिलती है, यानी कि कोई भी आईपी रेटिंग नहीं मिलती है। आईपी रेटिंग का मतलब होता है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या इंग्रेस प्रोटेक्शन। तो इसमें कोई भी आईपी रेटिंग नहीं है, यानी कि ये बर्ड्स आपके वाटरप्रूफ नहीं है। दूसरे कॉन की अगर हम बात करें तो वो ये कि आपको इस कैरिंग केस में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है यूएसबी टाइप सी की जगह पे। अब मेरे हिसाब से 2019 में इनको यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट देना चाहिए था जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे सैडली आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट कॉन इन ईयरबड्स में मुझे ये लगा कि इनमें आपको कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप गाने सुन रहे हो तो आप अपना जो वॉल्यूम है गानों का वो डायरेक्टली इन ईयरबड्स से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फ़ोन निकालना पड़ेगा और मैनुअली जो वॉल्यूम है उसको अप एंड डाउन करना पड़ेगा फ़ोन से। नेक्स्ट और लास्ट कॉन की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि जो ईयरबड्स हैं उसमें क्लिकेबल बटन दिए हुए हैं, यानी कि आपको प्रेस करना पड़ेगा, प्रेसेबल बटन है और टच कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं और थोड़े से जो बर्ड्स का साइज है वो ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि अगर आप ईयर्स में इनको वेयर कर रहे हो तो थोड़े से बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। हेलमेट में आप इनको अगर यूज़ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, वैसे भी हेलमेट में आपको ईयरबड्स यानी बाइक राइड करते वक्त आपको ईयरफोन्स या बर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़ और कॉल्स वगैरह अटेंड करना है तो वो केस में आप इन ईयरबड्स को हेलमेट के अंदर नहीं पहन सकते क्योंकि ये बड़े हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इन ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी के बारे में, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होगे, क्योंकि आप कोई भी ईयरफोन्स या ईयरबड्स परचेज करते हो तो आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो यही कि इसका साउंड कैसा होगा। तो मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इन ईयरबड्स को परचेज करके, क्योंकि जो साउंड क्वालिटी इन ईयरबड्स में आपको मिलती है वो बहुत ही ऑसम है। और 3 कैटेगरीज में अगर मैं इन ईयरबड्स को रेट करूं, यानी कि बेस, ट्रेबल और मिड्स के सेक्शन में, तो मेरी रेटिंग्स कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेबल की, तो जो ट्रेबल और मिड्स दोनों की बात करते हैं तो जो ट्रेबल और मिड्स का सेक्शन है JBL ने इसको बहुत ही अच्छे से ट्यून किया है और दोनों ही कैटेगरीज में मैं इन ईयरबड्स को दूंगा 9 out of 10। साउंड स्टेज इसकी बहुत वाइड है, यानी कि जो स्टीरियो सेपरेशन वगैरह आपको मिलता है वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा जो बर्ड्स में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी अच्छे से सुनाई दे रहा है। और लास्टली जो बेस का सेक्शन है, उस बेस के सेक्शन में मैं इन ईयरबड्स को
रेट करूंगा 8 to 8.5 out of 10। हालांकि बेस इसमें काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और आपको बेस हैवी मिलेगा, और जैसा कि इंडियन ऑडियंस है हम लोग को सबसे ज्यादा बेस ही चाहिए रहता है किसी भी ईयरफोन्स में। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 4,000 रुपए की रेंज में ये बड्स क्या खरीदने लायक हैं या वर्थ करते हैं, सो डेफिनेटली बिल्कुल वर्थ करते हैं और ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपको 4,000 में ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अगर आप परचेज करना चाह रहे हो। और हाँ, माइक की बात कर लेते हैं, जो माइक क्वालिटी है जब आप कॉल करोगे तो माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो अदर पार्टीज हैं उनको साउंड बहुत अच्छे से आपकी जाएगी, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में ना हो अगर। तो दूसरी बात, जो इसका नॉइज कैंसिलेशन है, इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन तो नहीं दिया है लेकिन पैसिव नॉइज कैंसिलेशन भी सही है, क्योंकि जो बर्ड्स आपकी ईयर्स में फिट होते हैं वो बहुत अच्छे से फिट होते हैं, सो जो बाहर का साउंड है वो आपको इतना सुनाई नहीं देगा और म्यूजिक आपका लीक नहीं। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आप जब इसमें से म्यूजिक सुन रहे हो तो जो साउंड लीकेज है वो भी बहुत कम है, ना के बराबर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप गाने सुन रहे हो और पूरा एक ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है, डीजे लगा हुआ है और पूरा हर कोई एंजॉय कर रहा है कि वॉट You are listening. So guys, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है मैक नियाज़ी, और मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही टेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग से वीडियोस लाता रहूंगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी अगर आप कोई ट्रूली वायरलेस ईयरबड परचेज करना चाहते हो। और गाइस, सेफ रहिए, घर में रहिए और इस वायरस से मिलजुल के हमें लड़ना है, एंड स्टे प्रोटेक्टेड। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।